लो भाई दोस्तों, हावड़ा ब्रिज सामने आ गया है। चल रहे हैं अपना बरायपुर, जिधर प्रोग्राम है। चलिए चल रहे हैं, पहुंच रहे प्रोग्राम में दोस्तों। ठीक है, ये हावड़ा ब्रिज आ गया है सामने। और देखते हैं प्रोग्राम में क्या होता है, क्या कौन कौन पहुंचता है। आधे आधे तो निकल लिए, आधे निकल लिए का मतलब समझ रहे क्या कि हाँ इमरान भाई जुड़ेंगे। हाँ इमरान भाई साथ हैं। हाँ जी इमरान भाई साथ हैं। और अब फोन आ रहा है, इमरान भाई काम आ गया, इमरान भाई मैंने वहाँ जरूरी है, अगर मैंने गया तो मर जाऊंगा, या मैं नहीं गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, बस आज के लिए माफी चाहता हूँ। आज के लिए क्या, आज के लिए तो उन्होंने ऐसे कह दिया दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ रोज यहीं रहता हूँ, वो कल को मेरे को मुलाकात कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये हावड़ा ब्रिज है दोस्तों, ये देखें हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती यार। वाह बहुत ऊंचा है यार, ये बहुत ऊंचा है, मोबाइल नहीं दिखा पा रहा, बहुत ऊंचा है यार, ये बिल्डिंग की तरह ऊपर को ऊंचा बना हुआ है ये। ठीक है, और अब इसके नीचे से जाएंगे हम, ये हावड़ा ब्रिज कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज पीछे बैठे हैं हमारे मोजीद्दीन शेख भाई। आ उधर है छोटा गोल्डन बैठा हुआ है उधर, छोटा गोल्डन हावड़ा ब्रिज। ये हमारे क्या नाम है इनका, शमशेर भाई। ये देखें इधर वो किस्ती चल रही है गंगा में, बहुत बड़ा बड़ा किस्ती चल रहा है इधर, वो चल रहा है। जहाज भी आता है डॉक, और जहाज भी आता है इधर, इधर नहीं आता उधर आता है डॉक में। अच्छा, बहुत बड़ा जहाज बताया जा रहा है कि समुद्री जहाज भी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी किस्ती बहुत घूम रही है। ये हावड़ा ब्रिज चल रहा है, ये इसका नीचे एक भी प्लान नहीं है, पूरा डायरेक्ट है। हाँ शेख भाई बता रहे हैं, इस पुल के नीचे एक भी पिलर नहीं है, खंबा नहीं है। जैसे अब इंडिया के इंजीनियर लोग बना रहे हैं ना, खंबे उम्बों पे पुल खड़ा कर रहे हैं, और तो तब भी गिर रहे हुए, जैसे ताजमहल वो तब भी गिर रहे हुए, जैसे ताजमहल का अजूबा, ये भी एक अजूबा है हावड़ा ब्रिज भी, कि नीचे पिलर नहीं है, इसी पे ये टिका हुआ है। और कितने साल से टिका हुआ भाई, कम से कम 150 तो हो गया, 100 साल के लगभग हो गया, ये 100 साल के लगभग का ये पुल हो गया। देखो आज तक ये ऐसे खड़ा है मजबूती से, और इतना वजन इस पे निकल रहा है बसे, ये खुद का इसका वजन यार, क्या इंजीनियर लोगों ने क्या बनाया। और आज के यहाँ के ये पढ़े लिखे इंजीनियर ऐसा पुल बना रहे, आए दिन खबरों में देखते रहे हो, फला पुल गिर गया, फला पुल रह गया, जंग खा गया, ये हो गया, जंग खाए हुए लोग हो गए तो चीजें भी जंग खाए भी बनेंगी, जिंदगी भी जंग खा जाएगी। चलो ये बात तो हो गई, बाकी मैं वीडियो के जरिए कहना चाहूंगा कि मतलबी लोग निकल लिए भाई। ठीक है, निकल लिए वे, जैसा हमने वीडियो में कहा था, एन टाइम एन मौके पे पलटी मार गए, क्योंकि वो जिस मतलब के लिए वो जुड़ रहे थे ना कि इमरान भाई, तो वो हमने क्लियर कर दिया था कि फालतू के ये सपने लेके मेरे साथ जुड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे ये सपने हम पूरे ना होने देंगे, जो मतलबी लोग हैं, क्योंकि हम उन्हें रास्ते में छोड़ देंगे, क्योंकि ये कभी काम आने वाले नहीं है, ये धोखा आज नहीं तो कल ये धोखा देंगे, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन में है धोखा देना, तो इसीलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। और बहुत से खुद ही भाग लिए कि इमरान भाई हम बिजी हैं, हम आ नहीं सकते, ये ऐसे है, धोखा देने वाला काम उन्होंने कर दिया। ठीक है जी, तो चलो अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। ठीक है ना, अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही फोन करके कह दिया कि इमरान भाई हम ऐसे और वैसे नहीं आ सकते, प्रॉब्लम है, तो दोबारा एंट्री ना होगी। ठीक है जी, बाकी जो हमारे टीम के मेंबर हैं या टीम के शागिर्द हैं जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वे यहाँ प्रोग्राम में पहुँच रहे हैं और अपना साथ दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे भी है आगे वीडियो आती रहेगी। अभी यहाँ एक बिल्डिंग थी दोस्तों यार, पीछे निकल गई, और ये भी ब्रिटिश राज में बनी हुई है, ये वाली ना, ये इधर भी एक पीछे थी दोस्तों, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी जो ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने बनाई थी। वो ये कलकत्ता शहर में दोस्तों बहुत लंबा पुल है जिसपे हम चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत लंबा पुल है जिसपे हम चल रहे हैं, साइंस सिटी भाई, वो बंगाली, ये देखो आईटीसी होटल सुभाष बंगला।
और ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये देखो ये आ रही है फार्मा का, ऐसी बना के छोड़ दिया। क्या चीज है ये? विश्व बंगला मेला। विश्व बंगला मेला देखो डांग हाथ पे दिखा दो एक बार सर। ये देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है यार, ये महल की तरह बनाई हुई है ये दोस्तों। ये सोनार बंगला होटल सर, दाएं तरफ वो साइड से एक बार दिखा दो। वो देखिए दोस्तों, वो वाला स्विमिंग पूल है ऊपर, वो वाला। अच्छा दोस्तों, वो जो बिल्डिंग ऊपर देख रही है ना, उसके ऊपर रास्ता इधर से भी उधर भी है, और वो उसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है ये बिल्डिंग के ऊपर कलकत्ता में। बड़ी खूबसूरत है यार ये। ओके बरायपुर, ये है दोस्तों बरायपुर। क्या है ये? बरायपुर। हमारे इस बरायपुर को कोई भाई बहुत पसंद करता था, हमारे इस एरिया को कोई भाई बहुत पसंद करता था बरायपुर। इस टाइम हम घूम रहे हैं बरायपुर, बरायपुर, बरायपुर। भाई याद आ रहा है बरायपुर? बरायपुर याद आ रहा है भाई? बरायपुर। इस टाइम हम बरायपुर कलकत्ता में दोस्तों जा रहे हैं सुभजीत भाई के यहाँ, और ये है बरायपुर। यहाँ पे ये बरायपुर, ये यहीं की सौगात है। ये मेरे गले में चैन है। ये बरायपुर, 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 यहीं से ली थी हमने दोस्तों। जब वापसी की थी हमने सुभजीत भाई के यहाँ से, तो ये क्या कहता है, ये चैन चांदी वाली है, सिल्वर, ये हमने यहीं से ली थी, ये बरायपुर। और किसी को ये बरायपुर कहने में बड़ा मज़ा आता था, बरायपुर, 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 बाय बरायपुर। तो चल रहे हैं सुभजीत भाई के यहाँ बरायपुर, बरायपुर। ठीक है, मिलते हैं। गौतम दा भालवाशी, ये जगह छोटा तो नहीं रहेगा यार? ओ दो क्या पड़ा है? अंदर गर्मी गर्मी होगी यार, इतने बंदों को सबको वहाँ बिठा दिया। गौतम, गौतम दा, ये अंदर तो सांस घुट जाएगा। आज बाहर आ जाओ सारे, बहुत अंदर तो। आइए आइए, बाहर ही आ जाइए सर। अंदर गर्मी तो नहीं है, मेरे को देख के डर लग रहा है अंदर। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, चलिए अंदर जाइए आप। चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ देख लेते हैं, पहले आप चेक कर लीजिए। वेलकम सर। लाइट जाले दो तो, सामान लाइट जाले दो तो भैया।